हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। यस, गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। और पता है मैं अब कपड़े धोने जा रही हूँ, क्योंकि सुबह से ना हमारे वहाँ पर लाइट ही नहीं आ रही थी। और ये जो कपड़े हैं ना, कल के धुले हुए रखे हैं, लेकिन इनको पानी में निचोड़ के डालना था, बट वो लाइट की वजह से सारा काम पेंडिंग हो गया। 3 बज रहे हैं, कांगे मेरी घड़ी उधर है, दिखेगा नहीं, लाइट जल रही है तो लाइट की वजह से टाइम नहीं दिख रहा है। और ये कपड़े कल के, ये मैंने घड़ी करके सोफे पे रख दिए। और अब पता है 3 बजे मेरे बच्चों की डिमांड हो रही है कि हमको खाना है खाना। सुबह उन्होंने सैंडविच खाया था, उसके बाद है ना उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, दोनों भाई बहन ने। अब कह रहे हैं हमको रोटी, मोलू को खानी है दूध रोटी। अब आरू का पूछूंगी कि उसको क्या खाना है। सब्जी देखो सुबह बना के रखी थी मैंने, और मेरे घर में किसी कोई भी खाने वाला नहीं है। ये सब्जी मैंने सुबह बना के रखी थी, आलू गोभी बैंगन मिक्स वेज जो होती है ना, वो बनाई थी। लेकिन पतिदेव नहीं है खाने के लिए, स्कूल पे चले गए। आरू मोलू ने ब्रेड सैंडविच खा ली थी, और मैंने क्या खाया, मैंने हाँ चावल भी बनाए थे साथ में, मैंने सब्जी के साथ चावल बनाए थे, मैंने चावल खा लिए। अब 3 बज रहे हैं, मोलू को खानी है दूध रोटी, आरू को भी शायद वो भी कुछ ना कुछ खाएगी, तो देखती हूँ इसको क्या खाना है। जल गई, दिवाली पे तो जली नहीं थी, अब जल गई। और मुझसे कोई ना कह रहा था कि दी है ना आप, आपने है ना बर्तन और कपड़े के लिए कोई सर्वेंट रख लिया है क्या? तो नहीं, देखिए मेरे कपड़े धुल रहे हैं, अभी मैंने ड्रायर में डाले हैं, और ये नीचे और रखे हैं ये कपड़े धुलने के लिए, तो मैं इनको भी मशीन में डालूंगी। और जब ये सूख जाएंगे ना ड्रायर में, तो जाऊंगी ऊपर रूम में डालने के लिए, तो ऊपर रूम में डाल के आऊंगी सुखाने के लिए। और तब तक मैं अब लगा लेती हूँ आटा, और बच्चों के लिए बनाती हूँ रोटी, क्योंकि उनको ना आज खानी है गेहूं की रोटी। आज बाजरे की नहीं बनेगी, गेहूं की बनेगी। और कल मुझे कोई पूछ भी जाता ना कि बाजरे की आटे में नॉर्मल आटा डालेंगे तब बाजरे की रोटी बनेगी ना, तो डियर ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बाजरे के आटे से ही रोटी बनती है। अगर आप उसमें आटा यानी गेहूं का आटा या फिर बेसन का आटा डाल लोगे ना, तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। मुझे तो वो रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो ना प्लेन आटा जो बाजरे का होता है ना, उसी की रोटी अच्छी लगती है। पर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको इस जगह का मेकओवर करके बताऊं, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि दी आप इस जगह को डेकोर करके बताइए। तो फिर जो भी चीजें मेरे पास है ना, मैं उनसे इसको डेकोर करके बताऊंगी, और आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि आप भी अपने किचन में इस तरह का सेल्फ बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया, और उसको बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोर भी कर सकते हैं। तो फटाफट से पहले मैं आटा लगा लेती हूँ, तब तक मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे। कौन आया? बच्चे हैं। बस यहाँ पे मैंने रोटी बना ली, और रोटी है ना मैंने थोड़ी ज़्यादा बना ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि जय भी आने वाले हैं स्कूल से, और वो भी 3 बजे ही आए थे, तो फिर मैंने साथ ही साथ बना ली थी, क्योंकि मैंने उनको फ़ोन करके पूछ लिया था। तो जैसे बस खिलाने के लिए आई ना, वो उतनी देर में जय भी आ गए, तो फिर उन्होंने भी खाना खा लिया, और मैं तो पहले ही खा चुकी थी, वो रह गए थे, तो मैंने कहा तुम भी खा लो, रोटियाँ गर्म है, क्योंकि अब ठंडियाँ आ गई ना, तो अगर रोटियाँ आप उनको आधे घंटे भी रख दो ना, तो वो खाने लायक नहीं रहती हैं, इतनी ठंडी हो जाती हैं। हमारे वहाँ का तो मौसम ही बिल्कुल कश्मीरी वाला मौसम हो रहा है। तो बस ये यहाँ पे जय खाना खा रहे हैं, और मोलू को भी मैं दूध रोटी खिला रही हूँ, और आरू बाहर बैठ के दूध रोटी खा रही है। आज तो उसने दूध भी पिया, दूध रोटी भी खाई, क्योंकि कल मैंने उसकी वीडियो आप लोगों को दिखा दी थी ना, तो हम लोग बस अभी बातें कर रहे थे, और मोलू को दूध रोटी भी खिला रही हूँ। कल आरू की वीडियो डाल दी थी ना मैंने यूट्यूब पे, तो आरू को देखो आज ना आरू दूध रोटी खा के आई है, खत्म करी, दूध भी पी लिया। अब मैं ऐसी तेरी वीडियो डाल दिया करूंगी ना, तेरी तो दूध रोटी पिएगी। और आज पता है आरू ने सुबह बॉर्नविटा का दूध भी पिया 1 ग्लास, और अभी दूध रोटी भी खाई। अब हो गई ना मम्मी खुश है, और कितना रो रही थी कल, मजा मजे दोनों को दूध रोटी दी, अभी फिनिश करके आई है। दिखा दिखा, खत्म, खाली। मोलू ने खा ली, मोलू का पेट भर गया। वो इतना इतना नहीं खा पाता बेटा, छोटा है वो अभी। और करना बेटा थोड़ा सा दूध पीना, पेट भर गया। तो ये जो कपड़े सूखे हैं ना, ये कल के कपड़े हैं, लेकिन सुबह से लाइट नहीं आई थी,
और है ना रात को जैसे मैंने भिगो के रख दिए थे, ड्रायर में डालना था केवल, लेकिन आज सुबह की लाइट गई गई 3 बजे आई, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कपड़े धोना स्टार्ट किए। तो ये कल के कपड़े हैं जो ड्रायर में सुखा कर लाई हूँ, ये मैं सुखा कर अभी चली जाऊँगी। और हमारे वहाँ पर धूप में कपड़े हम लोग सुखा नहीं सकते ना, इसके लिए कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। वैसे तो मेरे घर में काफ़ी खुली जगह है, लेकिन बाहर अगर कपड़े सुखाऊंगी तो आप लोगों को पता ही है कि बंदर सूखने तो देंगे नहीं बल्कि फाड़ ओढ़ देंगे। तो मैं रूम में डाल के जाती हूँ, और रूम की वजह से, छाँव की वजह से कपड़े जल्दी सूखते नहीं है। और है ना कपड़े वगैरह सुखा दिए, और अभी 4:30 या 5 का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे जय ने बोला कि चाय बना लो, तो आज मैं फाइनली चाय बना रही हूँ। और अब है ना आप लोगों को चाय देखने मिलेगी मेरे व्लॉग में, क्योंकि ठंडियाँ आ गई हैं, और ठंडियों में जिंजर वाली चाय पीने में ना बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं अदरक की चाय बना रही हूँ, साथ में मैं लूँगी थोड़ी सी नमकीन, और बस मैं और जय दोनों मिलके पियेंगे चाय, क्योंकि अब ठंडियाँ आई ना, तो ठंडियों में ऑलरेडी अपने आप ही ना मन करने लगता है कि एक कप चाय तो बननी चाहिए शाम को। और मैं तो फिर भी पीती हूँ, मैं तो कॉफ़ी पीती हूँ शाम को, लेकिन जय नहीं पीते, लेकिन अब से वो भी पीने लगे। तो चलिए हम लोग चाय पी कर आते हैं, और जब भी चाय छानती हूँ ना तो थोड़ी सी चाय फैली जाती है, तो उसको भी साफ़ कर लेती हूँ, और हम लोग चाय पी के आते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा चलो मैं ये वाले कमेंट की क्वेरी भी ना दूर कर देती हूँ, और आज आप लोगों को मैं बहुत मोटी मोटी दिखूंगी ना। देखो मैंने एक ये इनर पहनी है, ये स्वेटर पहना है, क्योंकि भैया ठंड पड़ने लगी है इसलिए। और पीछे लाइट भी जल रही है, लेकिन है ना नॉर्मल लाइट जल रही है ना, तो वो दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे कमेंट आया था, उन्होंने मुझे मेरी पुरानी वीडियो पे कमेंट किया कि दी आप अपने लिपस्टिक के बारे में क्यों नहीं बताते हो कि आप कौन सी लिपस्टिक लगाते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी मेरे व्लॉग ज्यादा चलते नहीं है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि ना ये सारी चीजें क्यों मैं बताऊँ, क्या पता किसको इंटरेस्ट होगा। फिर सब लोग समझते ना कि रिव्यू कर रहे हैं इसके लिए। तो चलो मैं बता देती हूँ कि मैं कौन कौन सी लिपस्टिक यूज करती हूँ। तो ये मियोन की लिपस्टिक है, और ये ना मैंने हमारे लोकल मार्केट से खरीदी थी, 15 नंबर है इसका, और ज्यादातर आप लोगों को मैं ना रेड कलर में ही दिखती हूँ। तो ये भी देखिए रेड कलर है, टोमेटो रेड कलर जो होता है ना वो है, बोलो सिटी नहीं बचा बेटा। और उसके बाद ये है मेरी एक लिपस्टिक ब्लू हेवन की, और इसका नंबर है 08 नंबर है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, ये 3 लिपस्टिक मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तब बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर था ना, तब ये 3 लिपस्टिक मैंने ऑनलाइन से मंगाई थी। काफी अच्छी लिपस्टिक निकली है। अब इनके अंदर प्रोडक्ट कितना होगा वो मुझे पता नहीं, मोलू बात मानते मम्मी की। और ये 105 रुपए की एक लिपस्टिक है, बट मुझे ना कुछ ऑफर मिला था तो शायद ये 80 या 75 में मुझे मिल गई थी। और ये एक रेड कलर है, ये पिंक कलर है, ये थोड़ा सा डार्क रेडिश कलर में, एक का नंबर है 03, एक का नंबर है 80 और एक का नंबर है 10। ये 3 लिपस्टिक मैंने मंगाई थी पर्पल से। और उसके बाद एक लिपस्टिक ये है, इसका भी क्या नाम है, ये कलर ये ऐसी है कोई लोकल मार्केट की, हमारे वहीं से लाई थी, शायद ये 120 या 160 ऐसे कुछ आई थी, बट इसका कलर बड़ा प्यारा है, भले लोकल मार्केट से लाई थी, देखना। है ना कलर अच्छा, मुझे इसका जो कलर है ना बहुत अच्छा लगता है, पिंकिश रेड कलर में है। तो ये लोकल मार्केट से लाई थी, इसकी प्राइस वगैरह कुछ ध्यान नहीं है। और उसके बाद ये मेरी NY की है, NY की लिपस्टिक है, ये भी मैंने पर्पल से मंगवाई थी, और कब मंगवाई थी आई थिंक हो गए शायद 6-7 महीने तो हो ही गए। ये डार्क मरून जो मैंने सूट पहना है ना उस कलर की है, डार्क मरून कलर की, देखो दिखाती हूँ मैं आपको। और इन सब की लिंक मुझे नहीं मिलेगी तो दे दूंगी, देखो एकदम डार्क मरून कलर है, बहुत अच्छा लगता है लगाने के बाद, जब हम हेवी साड़ी वगैरह कुछ पहनते हैं ना तो ये कलर काफी अच्छा लगता है। और उसके बाद एक ये है नियॉन की है ये भी, और ये भी कुछ ऐसी आई थी 120 या 130 की। और उसके बाद लिपस्टिक तो मेरे पास काफी सारी हैं, ये कौन आया, ये मोलू आया। और ये है एक लैक्मे 9 to 5, लेकिन इस कलर को ना मैं बहुत कम लगाती हूँ। और एक ये है, ये भी है लैक्मे 9 to 5, ये पिंक कलर की है, ये भी बहुत कम लगाती हूँ। और एक ये है मैट लुक की, ये लैक्मे मैट की है,
और लेकिन मुझे ये लैक्मी का प्रोडक्ट लगता नहीं है, मुझे ये फेक प्रोडक्ट लगता है लैक्मी का, क्योंकि हमारे वहीं से लेकर आई थी ये सारी मेरी लिपस्टिक है ना, लेकिन जितनी भी है वो सारी 100 से ऊपर ही है, यानी 150 के करीबन ही होती है इनकी सबकी प्राइस, चाहे मैं लोकल मार्केट से लूँ चाहे मैं ऑनलाइन हूँ, लेकिन ऑनलाइन में तभी मुझे सस्ती मिल गई। तो ये मेरा लिपस्टिक का कलेक्शन है, आपको ऐसे करके दिखाती हूँ, नीचे रख के ऐसे नहीं दिखेगा, अच्छे से दिखाती हूँ। तो देखिए ये मेरा लिपस्टिक का कलेक्शन, इतना सारा कितनी है चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मेरे पास ये लिपस्टिक है, और सबसे फेवरेट कलर है, सबसे फेवरेट लिपस्टिक है मेरी ये वाली, ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी, परसोनी की है, लेकिन बहुत अच्छा कलर आता है इसका। अब ये खत्म होने आई है, बताए ये दो लिपस्टिक मैंने इतनी ज्यादा लगाई है ना मेरी वीडियो में, सबसे ज्यादा लिपस्टिक अगर मैं लगाती हूँ ना, लगाती थी तो ये दो, ये मेरी दोनों खत्म होने आई है। और अभी हाल फिलहाल में मैं जो सबसे ज्यादा लगाती हूँ ना, तो वो है ब्लू हेवन की ये वाली लिपस्टिक, ये पिंक वाली लिपस्टिक, और मेरी ये कलर कॉर्ड की है कोई, ये वाली लिपस्टिक है। अभी हाल फिलहाल में मैं इन लिपस्टिक को बहुत ज्यादा लगाती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा लिपस्टिक का कलेक्शन। जिन लिपस्टिक की लिंक होगी ना, वो मैं ढूंढ के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बाकी तो मैंने लोकल मार्केट से लिए। अरे ये लड़का सीढ़ी बनाता रहता है बड़ा, अरे लाइट चलो मैं नहीं बना पाऊंगी, तो आप बनाओ, मना किया ना मम्मी, देख 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 कितनी सीटी हो जा रहा है, मैंने इसका बल्ब चला दिया, सॉरी लाइट चला दी वाली। तो मुझे कमेंट आया था ना कि दी आप अपनी लिपस्टिक नहीं बताते, इसलिए मैंने आज दिखा दी। और प्लीज आप लोग मुझे बताना कौन कौन देखना चाहता है कि मैं इस वॉल के चीजों का मेकओवर करके आपको दिखाऊं, क्योंकि मेरे मन में है कि मैं इसका मेकओवर करूं और आप लोगों तक दिखाऊं। सीटी बजा रहा है ये। और अभी मैं क्या बनाने जा रही हूँ, दाल चावल। पता है दाल चावल खा के मैं चावल जैसी होती जा रही, मेरा पेट देखो, पता है क्यों ये हो रहा है आजकल है ना, बैठ के पोछा लगाना बंद कर दिया है, इसके लिए मेरा तौंदू निकल के आ रहा है। तो अभी क्या करें क्या करें, कुछ करते हैं किचन में, चलो क्या ही टॉयलेट आई मोलू को टॉयलेट आई, ए कूद के दिखा ऐसे 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 बस ए ऐसे करके दिखाओ। तो यहाँ पे मैं शाम का खाना बना रही हूँ, और शाम के खाने में बनेंगे दाल चावल, क्योंकि सुबह की सब्जी रखी थी, और आप लोगों ने देखा ही ना, सबने अभी 3, 3:30 या 4 बजे के करीबन खाना खाया है, जय ने भी, आरू मोलू ने भी। तो अब है ना कोई भी शाम को खाना खाएगा नहीं मेरे घर में ना, खाने पीने के मामले में सब ऐसे ही हैं, अगर थोड़ा सा कुछ खा लेना तो उसी से पूरा दिन चला जाता है हम लोगों का। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खाने पीने के शौकीन नहीं है, तो बस यहाँ पर ना अभी दाल चावल बना लूँगी, सुबह की सब्जी काफ़ी सारी रखी है, तो यही आज का हमारा डिनर हो जाएगा। तो मैंने दाल चढ़ा दी है, हल्दी और नमक डाल के दाल को मैंने उबलने के लिए रख दिया, और ये शाम के जितने भी बर्तन हुए थे ना सारे मैं धो के रख दूँगी, और उसके बाद अभी मेरे पास और भी काम है वो सारे कंप्लीट करूँगी, खाना पीना खाएंगे हम लोग, उसके बाद आराम से तसल्ली से आपसे मिलूँगी, और किचन को भी मैं साथ ही साथ क्लीन कर दूँगी, क्योंकि है ना कुछ भी ऐसा लगता है ठंड का टाइम है एक तो, और फिर किचन अगर बिखर जाए तो काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि बहुत ठंड पड़ने लगी हमारे वहाँ, तो मैंने स्वेटर इनर दोनों चीज़ें पहनी है। तो जब तक मैंने बर्तन किया और बाकी के थोड़े बहुत बच्चों के पास भी जाके बैठी, तब तक दाल मेरी उबल गई, यहाँ पर चावल मेरे बन चुके हैं, भगोनी में रखे हैं, वो मैंने आपको दिखाई नहीं थे क्योंकि वो चावल बनाना क्या बार बार दिखाऊं मैं। तो यहाँ चावल भी बन चुके हैं, दाल भी उबल चुकी है, अभी मैं दाल के तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो हमारे वहाँ पे तड़के वाली दाल ही खाई जाती है, तो प्याज और टमाटर लहसुन अदरक का लगेगा तड़का, और इसी तरह से जैसे नॉर्मल तड़का लगाते हैं ना, लेकिन प्याज और टमाटर तो हमारे वहाँ डलते ही डलते हैं। तो बस मैं यहाँ दाल में लगा लूँगी तड़का, और उसके बाद फिर खाना लेकर जाऊँगी और हम सब बैठ के खाना खाएँगे। तो बस अभी देखिए मैंने तेल के अंदर जीरा डाल दिया, प्याज अदरक प्याज और लहसुन मैंने साथ में ही छील के रखे हैं, क्योंकि अगर बाद में डालो लहसुन या पहले डालो ना, तो उसमें क्या होता है कि लहसुन जलने का डर होता है, बाद में डालो तो कच्चे रह जाते हैं, तो मैं प्याज के साथ में ही डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर है ना दाल मैंने देखी, दाल भी काफ़ी अच्छे से उबल चुकी है बिल्कुल फिक्स, तो दाल में मैंने तड़का लगा दिया, और यहाँ पर अब मैं खाना लेकर जा रही हूँ मेरे लिए, जय के लिए और आरू के लिए अलग प्लेट। मोलू तो मेरे साथ में ही खा लेता है, तो आरू को अलग से खाती है, क्योंकि आरू की आदत है ना वो हाथों से दाल चावल मिक्स करके खाती है, और मैं खाती हूँ चम्मच से।
तो मोलू मेरे साथ खा लेगा, उसके पापा खा लेंगे और आरू भी खा लेगी। तो चलिए हम लोग खाना पीना खा के आते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और खाना खाने के बाद सीधे आऊँगी मैं, किचन को क्लीन करूँगी, उसके बाद जब सोने जाऊँगी तब आप लोगों से मिलूँगी। और हमारे घर में एक आदत है ना सबकी है कि दाल चावल के साथ जब भी दाल चावल खाएंगे ना तो दाल के अंदर एक चम्मच घी तो हम डालते ही हैं। तो बिल्कुल घर का बना हुआ देसी घी, और बिना घी डाले ना मज़ा नहीं आता। तो बस मैं सबकी दाल में एक चम्मच घी डाल दूँगी और हम लोग खाना खा के आते हैं, किचन क्लीन कर हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मोलू की पड़ी है पजामी, और मोलू सोने से पहले पहनेगा, अभी नहीं पहन रहा है, बोलता है मैं बिना पजामी पहने ही सोऊंगा, खाली हगीज पहन के सोया है। और ये राश है तो टंग क्यों निकलता है बाहर, जीभ है जीभ क्यों निकलता है बाहर। अच्छा चलो गुड नाइट बोलो, गुड नाइट आरू, गायब हो गया। ओके चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को अगर नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। एक मिनट पहले इसको शांत करूं। तो फाइनली वो चुप हो गया, और चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड, कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और पता है आजकल है ना वीडियो शूट करने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि दिवाली गई है और दिवाली से कुछ महीनों पहले इतनी मोलू शैतानी मत किया कर, उसने फोन हाँ। काट दिया। तो दिवाली के कुछ महीनों पहले से इतनी ज्यादा बिजी थी, इतनी ज्यादा बिजी थी कि मेरे पास इतने टाइटल और इतने सारे टॉपिक थे ना वीडियो बनाने के लिए, और अब मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है वही अपने डेली रूटीन के अलावा। सो एकदम खाली खाली लग रहा है, पता है समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो अगर आप लोग मेरी डेली लाइफ में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आप लोगों को यही व्लॉग दिखाऊंगी, और कुछ न्यू अगर होगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हाँ तो अब बस पूरा घर एकदम सुना सुना सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे लाइफ में कुछ काम ही नहीं बचा, क्योंकि ये जो डेली के काम है ना ये इनको तो मैं काम समझती ही नहीं हूँ, क्योंकि जो दिवाली के आसपास जो काम आता है ना इतना बर्डन होता है ना काम का कि कुछ भी सोचने का समझने का टाइम ही नहीं मिलता। बस ऐसा लगता है कि ये करना है वो बाकी है, वो कर लिया तो वो काम बाकी है, यानी एक के बाद आपके पास ढेर सारे काम होते हैं और उनको करने के लिए आपके पास वक्त भी नहीं बचता, और ऐसा लगता है कि कोई एक काम अधूरा ना रह जाए। और खासकर दिवाली के दिन, दिवाली का जो दिन होता है ना वो उस दिन तो सुबह जितने बजे आँख खुल जाए ना उतने बजे से आपको बस लगना ही लगना होता है काम में, और आपको खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। सो अब बहुत सुना सुना सा लग रहा है, एकदम खाली खाली सा मन भी नहीं लगता घर में। तो चलिए फिलहाल बस यही बातें आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा था, आप लोगों को भी शायद लग रहा होगा कि फेस्टिवल जाने के बाद ना कुछ अजीब सी ऐसा लगता है, सब सुना सुना सा उजड़ा उजड़ा सा हो गया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए तो इस वीडियो को एंड करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट बाय, गुड नाइट, मुझे लग बता देना, गुड नाइट, मुझे लग बता देना, गुड नाइट तो बोल, गुड नाइट, मुझे लग बता देना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, शेयर करना, हाँ मम्मी पहले मैं भी तो बोलती थी सब्सक्राइब।